ब्रेक डांस में अच्छा लगता है, आपके फेवरेट वीडियो में नहीं। देख बिना ब्रेक, डाउनलोड टक ऐप। मी आदित्य रश्मि उद्धव ठाकरे ईश्वर साक्ष्य शपथ घेतो की माता पिता आह्लादित थे कि बेटा भी पराक्रमी निकला, खानदान के कृपा से नाम कर गया। आदित्य ठाकरे ने राजनीति की शुरुआत ही की युवा शिवसेना के अध्यक्ष की कुर्सी से। दादा बाल ठाकरे शिवसेना के संस्थापक, पिता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री। और जब पापा ही मुख्यमंत्री हो तो पद को पूछता कौन है। आदित्य ठाकरे गदगद थे, लेकिन परिवार के प्रताप से प्रतापी बने पुत्रों की फेहरिस्ट महाराष्ट्र में इतनी लंबी है कि आपका दिल बैठ जाएगा। इतने संस्कार मेरे दादा दादी नाना नानी के है, उतने ही माँ और पिता दोनों के होते हैं, तो स्वाभाविक है कि दोनों के नाम लेना जरूरी थे। माँ की भी काफी इच्छा थी कि आप राजनीति। वो राजनीति से दूर रहती है, और अगर ये इंटरव्यू देखेगी तो मुझे पूछेगी कि ये किसने बताया, लेकिन वो बिल्कुल दूर रहती है। अशोक शंकर और चौहान ईश्वर साक्ष्य शपथ घेतो की। अशोक चौहान कांग्रेस के कोटे से मंत्री बने हैं, पिता शंकर राव चौहान भी मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र में पहली बार पिता और पुत्र दोनों मुख्यमंत्री रहे, बदले हुए समीकरण में मंत्री होकर भी खुश। मैं अमित विलास राव देशमुख ईश्वर साक्ष्य शपथ घेतो की। अमित विलास राव देशमुख कांग्रेस के कोटे से मंत्री बने हैं, पिता विलास राव देशमुख मुख्यमंत्री थे, निधन के बाद खानदानी सीट से विधायक बने। राजनीति चीज ही ऐसी है कि पापा ही नहीं चाचा का नाम भी चल जाए तो भतीजे की लॉटरी निकल जाती है। मैं धनंजय पंडित राव मुंडे ईश्वर साक्ष्य शपथ घेतो की। धनंजय पंडित राव मुंडे एनसीपी के कोटे से आए हैं, बीजेपी के दिग्गज स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं, चचेरी बहन पंकजा मुंडे को हराने का इनाम मिला। भतीजों की बात चली है तो महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे ताकतवर भतीजे के बिना ये सूची मुकम्मल हो ही नहीं सकती। मैं अजीत अनंतराव पवार गांधीर्यपूर्वक। तीसरी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं अजीत पवार, तीन बार के सीएम शरद पवार के भतीजे हैं, बीजेपी के साथ मिल जाने के बाद भी जलवा बरकरार है। कई पिता ऐसे हैं जिन्होंने राजा की तरह अपने बेटे के लिए सीट छोड़ी और बादशाह की तरह सत्ता सौंपी। विश्वजीत कदम दिग्गज पतंग राव कदम के बेटे, पिता ने बेटे को सीट सौंपी थी। तो जो लोग कहते हैं कि चांदी की चम्मच लेकर केवल राहुल गांधी या प्रियंका गांधी पैदा हुई हैं, वो जानते ही नहीं कि खानदान की ताकत के सामने एक से एक जुझारू रंगरूट जिंदगी भर पार्टी का पोस्टर चिपकाते रह जाते हैं। और इसमें बेटों की ही नहीं, बेटियों की तकदीरें भी सवर जाया करती हैं। अदिति तटकरे एनसीपी के कोटे से मंत्री बनी हैं, पिता सुनीत तटकरे पार्टी के बड़े नेता थे। वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस के कोटे से मंत्री बनी हैं, पिता एकनाथ गायकवाड़ 29 साल तक विधायक और एमपी रहे। सरकार हमारी बन गई है तो लोगों की अपेक्षा है, और उस अपेक्षा पे पूरी उतरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों ने मुझे अभी लगभग चौथी बार चुन के दिया, तो लोगों को भरोसा है और भरोसे पे मैं काम करूंगी, इतना ही मैं आश्वस्त कर सकता हूं। ये तो केवल महाराष्ट्र की बात हुई, कहीं पूरे देश की राजनीति का खानदानी बही खाता सामने रख दिया तो आप कहेंगे पापा मम्मी न भी हो तो चाचा ताऊ तो होने ही चाहिए पॉलिटिक्स में पांव जमाने के लिए। वरना आदित्य और विश्वजीत तो पता नहीं कितनों के नाम है, न सब सूरज की तरह चमक पाते हैं, न सत्ता का जग जीत पाते हैं।